हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आज आप लोगों का एग्जाम है, और यह जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस क्या है इसके लाभ बताइए। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या है इसके लाभ बताइए। तो ग्रीन हाउस क्या होता है, आप लोग के सब्जेक्ट में है, जो पूरा सब्जेक्ट आप लोगों का है प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन, उसमें आपको हर जगह पर ग्रीन हाउस देखने को मिलेगा। तो यह ग्रीन हाउस है क्या, तो आप सभी लोगों में से कुछ लोगों ने ग्रीन हाउस देखा भी होगा। तो ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस एक प्रकार की संरचना होती है, ठीक है, जिसके जो प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक है, जो प्लास्टिक का हो सकता है, फिल्म का हो सकता है, कांच का हो सकता है। तो यह इस प्रकार की एक संरचना होती है जिसके अंदर पौधों को उगाया जाता है और पौधों को उसके अनुरूप वातावरण में तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा पौधा है, हमारे पौधे को ठंडी चाहिए तो हम ग्रीन हाउस में ठंडी जैसा वातावरण उत्पन्न कर देंगे। यदि हमारे ग्रीन हाउस में गर्मी चाहिए तो हम गर्मी जैसा वातावरण उत्पन्न कर देंगे। बस, और जैसा मतलब हमारे पौधे को चाहिए इन्वायरमेंट, वैसा हम यदि इन्वायरमेंट उसको प्रदान कर देंगे। तो ये सब कहाँ हो सकता है, ग्रीन हाउस में ही हो सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर यदि ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस एक विभिन्न प्रकार की आवरण सामग्री जैसे कांच, प्लास्टिक की छत और अक्सर कांच या प्लास्टिक की दीवार के साथ बनी हुई एक संरचना हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस विभिन्न तरह की आवरण सामग्रियों जैसे कांच या प्लास्टिक की छत और अक्सर कांच या प्लास्टिक की दीवारों के साथ बनी एक संरचना होती है। ठीक है, या कांच या प्लास्टिक की छत होगी या कांच या प्लास्टिक की दीवार भी हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों से बनी एक संरचना होती है जहां पौधे को उचित वातावरण में उगाया जाता है। जहां पर पौधे को उचित वातावरण में उगाया जाता है तो ऐसे स्थान को, ऐसे क्षेत्र को, ऐसे एरिया को या ऐसे संरचना को ग्रीन हाउस कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस क्या समझ में आया, ग्रीन हाउस एक विभिन्न तरह की आवरण सामग्री जैसे कांच या प्लास्टिक की छत या कांच या प्लास्टिक की दीवार के साथ बनी हुई एक संरचना होती है जहां पौधों को उचित वातावरण में उगाया जाता है। क्या किया जाता है, पौधों को उचित वातावरण में उगाया जाता है, ऐसी संरचना को ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस क्या होता है समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस के लाभ क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ग्रीन हाउस। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉरी अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस के लाभ। तो ग्रीन हाउस के क्या क्या लाभ है, तो मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया कि ग्रीन हाउस में हम पौधे के उचित वातावरण, पौधों को जैसा वातावरण चाहिए उस वातावरण में तैयार कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही रहेगा कि ग्रीन हाउस प्लांट को उसकी आवश्यकता के अनुसार वातावरणीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, जैसे हमारा पौधा है उसको गर्मी चाहिए तो उसको गर्मी प्रदान करेगा, उसको ठंडा चाहिए तो ठंडी प्रदान करेगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो होता है वह प्लांट को उसकी आवश्यकता के अनुसार वातावरणीय स्थिति प्रदान करता है। इससे ग्रीन हाउस में वर्ष में 3 से 4 फसल ली जा सकती है। अब जैसे क्या है कि कुछ सीजनल फसल है, जैसे हमारा जो यूपी ईस्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है सीजनल क्रॉप उगाया जाता है। जैसे अब खरीफ का मौसम आ रहा है, अब जायद का मौसम आ रहा है, तो इसमें क्या उगाया जाएगा, इसमें ककड़ी, खीरा, ये सब विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ उगाई जाएंगी। ठीक है, तो यदि ग्रीन हाउस रहेगा तो हमें इस मौसम के आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। हम ग्रीन हाउस के अंदर चाहेंगे तो ऐसा मौसम तैयार कर सकते हैं जिसमें हम इस फसल को उगा सके, जब चाहे तब किसी भी फसल को हम लोग ग्रीन हाउस में उगा सकते हैं, उसके अनुरूप वातावरण को तैयार कर सकते हैं ग्रीन हाउस के अंदर। ठीक है, तो ग्रीन हाउस में प्लांट को उसकी आवश्यकता के अनुसार वातावरणीय स्थिति प्रदान कर सकते हैं जिससे ग्रीन हाउस में वर्ष में 3 से 4 फसल ली जा सकती है। ग्रीन हाउस में अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो होता है इसमें जो भी हम फसल की बुआई करते हैं, जो भी क्रॉप की बुआई करते हैं, उसकी अच्छी गुणवत्ता की प्राप्ति होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस में सीड की जर्मिनेशन कैपेसिटी अधिक होती है। ग्रीन हाउस के अंदर नाम मात्र सीड जो होते हैं वही नहीं जानते हैं, मतलब उनका ही जर्मिनेशन नहीं होता है, और लगभग 90% जो सीड होते हैं, 99% सीड जो होते हैं उनका जर्मिनेशन हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि ग्रीन हाउस में जर्मिनेशन कैपेसिटी जो होती है सीड की वह बहुत अच्छी होती है। अगला है, कम क्षेत्र होने के कारण कीटों और रोगों को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम क्षेत्र होने के कारण, जैसे देखिए ग्रीन हाउस जो है बहुत बड़े क्षेत्र में तो होगा नहीं, बहुत होगा आपका 5 से 6 हिस्से में होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जैसे सामान लोग इतना ही बड़ा बनाते हैं तो इतने बड़े क्षेत्र में रहेगा, इससे भी कम में बनाते हैं लोग, तो इतने छोटे क्षेत्र में रहेगा तो उसमें आप कीट और रोग पे कंट्रोल रख सकते हैं। आप बार बार उसमें निगरानी रखेंगे कहीं आपके पौधे पर कीट और रोग तो नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे अपने
पौधे के ऊपर कीट और रोगों के प्रकोप से बच सकते हैं, ठीक है, बचा सकते हैं अपने पौधों को। अगला है क्रॉप प्रोडक्टिविटी बड़े पैमाने पर बढ़ती है। तो ग्रीन हाउस के उपयोग से क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी होती है वह बड़े पैमाने पर बढ़ जाती है। तो यह था ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस का लाभ क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, यदि कोई पूछ दिया तो आप सीधे कहिएगा ग्रीन हाउस जो है एक प्रकार की संरचना है जिसे कांच या प्लास्टिक की छत या कांच या प्लास्टिक की दीवारों के साथ बनी बनाई जाती है, जहां पर पौधे को उचित वातावरण में तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यही उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का लाभ मैंने आप लोग बता दिया, क्योंकि अब 5 मिनट का ये कई क्वेश्चन हो गया, बताइए अब थोड़ा समझाने में समय लग जाता है तो आप लोग मैनेज कर लिया करिए। अगला क्वेश्चन है अनाज सुखाने की विधियां बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। और देखिए कुछ क्वेश्चन मैं करवा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं इसमें 5 ही क्वेश्चन बताऊंगा और 2-3 क्वेश्चन छूट जाएगा आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए पहले सबसे पहले देख लेते हैं, बात बाद में होगी। तो क्वेश्चन है अनाज सुखाने की विधियां बताइए, ठीक है, अनाज सुखाने की विधियां बताना है। तो ऊष्मा हस्तांतरण के अनुसार सुखाने के तरीकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, ऊष्मा हस्तांतरण के अनुसार सुखाने के तरीकों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला चालक शुष्कन, दूसरा है संवहन शुष्कन, तीसरा है विकिरण शुष्कन, ठीक है, चालक शुष्कन, संवहन शुष्कन, विकिरण शुष्कन। चालक शुष्कन को अंग्रेजी में बोल सकते हैं कंडक्शन ड्राइंग, संवहन शुष्कन को कन्वेंशन ड्राइंग और विकिरण को रेडिएशन ड्राइंग, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं सबसे पहले पहला चालक शुष्कन के बारे में, ठीक। तो पहला है चालक शुष्कन, तो देखिए मैंने छोटा छोटा बताया इसकी विशेषता भी, जैसे बुक से या इसको मैंने बुक से लिया है, ठीक है, तो इसमें इसकी विशेषता भी दिया था, थोड़ा थोड़ा मैं विशेषता भी बताऊंगा लेकिन मैंने लिखा नहीं, ठीक। तो चालक शुष्कन क्या होता है देखिएगा, जब सुखाने के लिए ऊष्मा मुख्य रूप से चालन द्वारा गीले ठोस सतह में स्थानांतरित की जाती है। यहाँ पर गीले ठोस सतह से मतलब आप अनाज को समझिएगा, जहां जहां पर गीला ठोस आएगा वहां पे आप अनाज से समझिएगा, ठीक है। तो जब सुखाने के लिए ऊष्मा मुख्य रूप से चालन द्वारा गीले ठोस सतह में स्थानांतरित किया जाता है या अनाज में स्थानांतरित किया जाता है, इसी घटना को चालन या संपर्क शुष्कन के रूप में जाना जाता है, इसी घटना को चालन शुष्कन या संपर्क शुष्कन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जब सुखाने के लिए ऊष्मा मुख्य रूप से चालन द्वारा गीले ठोस सतह में स्थानांतरित किया जाता है तो इसी घटना को चालन या संपर्क शुष्कन के रूप में जाना जाता है, इसी को क्या बोला जाता है चालन या संपर्क शुष्कन। इस विधि में चालन ऊष्मा स्थानांतरण का प्रमुख साधन होता है, इस विधि यह जो विधि होती है इस विधि में चालन जो होता है वह ऊष्मा का प्रमुख साधन होता है। तो यह था चालन शुष्कन, इसकी विशेषता कभी कभी पूछ देता है, तो चालन शुष्कन की विशेषता क्या होनी चाहिए, तो आमतौर पर गीली ठोस धातु में ऊष्मा स्थानांतरण ठोस सतह के माध्यम से चालन द्वारा होता है। ऊष्मा का स्रोत गर्म पानी हो सकता है, भाप हो सकता है, ग्रीन गैस, गर्म तेल आदि हो सकता है, ठीक है। दूसरा है सतह का तापमान व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है, जो इसके सतह का तापमान है हमारे अनाज का वह व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है। संपर्क ड्रायर को कम दबाव और निष्क्रिय वातावरण के तहत संचालित भी किया जा सकता है। तो यह था इसकी थोड़ी सी विशेषता, देखिए विशेषता के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं लेनी है, सिर्फ हम लोगों को जानना है क्या होता है चालन शुष्कन, संवहन शुष्कन और विकिरण शुष्कन। तो संवहन शुष्कन क्या होता है, तो संवहन शुष्कन में गीला ठोस के संपर्क में सुखाने वाले एजेंट, गर्म गैस की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो समझिएगा संवहन शुष्कन में गीला ठोस मतलब अनाज, तो संवहन शुष्कन में अनाज को संपर्क में सुखाने वाले एजेंट का उपयोग किया जाता है, मतलब गर्म गैसों का उपयोग किया जाता है अनाज सुखाने के लिए संवहन शुष्कन में, ठीक है। ऊष्मा की आपूर्ति करने के लिए और वाष्पीकृत नमी को दूर करने के लिए ऊष्मा को गीले ठोस में स्थानांतरित किया जाता है। ऊष्मा जो होता है उसको अनाज के अंदर भेजा जाता है, ठीक, ऊष्मा जो होता है उसको अनाज के अंदर भेजा जाता है। तो इस प्रकार के शुष्कन को, इस प्रकार के ड्राई मेथड को शुष्क संवहन शुष्कन कहते हैं या कन्वेक्शन ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। अगला है विकिरण शुष्कन, तो विकिरण शुष्कन क्या है, तो विकिरण शुष्कन सूर्य और उसकी मूल ऊर्जा के अवशोषण पर आधारित अनाज द्वारा ऊष्मा को ऊर्जा में परिवर्तित करना विकिरण शुष्कन का एक उदाहरण होता है, ठीक है। विकिरण शुष्कन एक नंबर में पूछता है, याद रखिएगा विकिरण शुष्कन को एक नंबर में भी पूछता है। तो विकिरण शुष्कन सूर्य और उसकी मूल ऊर्जा के अवशोषण पर आधारित
अनाज द्वारा ऊष्मा को ऊर्जा में परिवर्तन करना विकिरण शुष्कण का उदाहरण होता है। विकिरण शुष्कण को विशेष इंफ्रारेड विकिरण की सहायता से भी पूरा किया जा सकता है। विकिरण शुष्कण को विशेष इंफ्रारेड विकिरण की सहायता से भी सुखाया जा सकता है। आगे देखेंगे ग्रीन हाउस में पौधों की प्रतिक्रियाएं किन किन कारकों पर निर्भर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि जो ग्रीन हाउस होता है उसमें पौधे की जो प्रतिक्रिया होती है वह किन किन कारकों पर निर्भर होती है। चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस वातावरण में पौधों की प्रतिक्रियाएं किन किन कारकों पर निर्भर होती है, वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस में पौधों की प्रतिक्रियाएं विभिन्न कारकों पर निर्भर होती हैं जो उन्हें पोषण ऊर्जा और वातावरण के रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस में पौधे की प्रतिक्रियाएं विभिन्न कारकों पर निर्भर होती हैं जो उन्हें पोषण ऊर्जा और वातावरण के रूप में प्रभावित करते हैं। इसमें पहला है प्रकाश। ठीक है, ग्रीन हाउस वातावरण में पौधे की प्रतिक्रिया किन किन कारकों पर निर्भर होती है, क्वेश्चन ये है, जिसमें पहला पॉइंट है प्रकाश। तो प्रकाश पर भी निर्भर होती है ग्रीन हाउस की विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया। तो पौधों की प्रमुख ऊर्जा सूर्य की किरणों से होती है। पौधों की जो प्रमुख ऊर्जा होती है वह सूर्य की किरणों से होती है, जिसके लिए ग्रीन हाउस के छत का डिजाइन ऐसा होता है कि सूर्य की किरणें सही मात्रा में पौधे तक पहुंच सके। ठीक है, छत की डिजाइन इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो ग्रीन हाउस की किरणें है वह सही मात्रा में पौधों तक पहुंच सके। पौधे प्रकाश प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा कारक है टेम्परेचर, तापमान। तो ग्रीन हाउस में तापमान को नियंत्रित करके भेजा जाता है। हमारा जो ग्रीन हाउस होता है उसमें तापमान को नियंत्रित करके भेजा जाता है। ठीक है, समझिएगा, ग्रीन हाउस में तापमान को नियंत्रित करके भेजा जाता है। पौधों के लिए उचित तापमान बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये पौधे के विकास पर सीधा प्रभाव डालता है और विभिन्न पौधे की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। अगला कारक है जल प्रबंध। तो सही मात्रा में सही समय पर जल प्रदान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पानी आपूर्ति में कमी या अधिकता पौधे की स्वास्थ्य और विकास पर असर डाल सकता है। यदि पानी की कमी हो जाएगी या पानी की अधिकता हो जाएगी तो पौधे की वृद्धि और विकास पर असर डाल देगा। ठीक है, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ग्रीन हाउस में इसकी सही मात्रा को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो अगला कारक था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या करते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो इसीलिए ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड की सही मात्रा में होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला है पोषण। तो सही पोषण के लिए या सही पोषण पौधों के लिए आवश्यक होता है। ग्रीन हाउस में पौधों को उनकी आवश्यकता अनुसार पोषण प्रदान करना आवश्यक होता है, ताकि पौधे स्वस्थ रह सके। ठीक है, ताकि पौधे जो हैं वह स्वस्थ रह सके। तो यह था आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन, ग्रीन हाउस वातावरण में पौधे की प्रतिक्रिया किन कारकों पर निर्भर होती है। अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में बताइए। क्वेश्चन ऐसा है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या होता है उसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में पूछा है। तो सामग्री प्रबंधन उपकरण संरक्षित खेती और माध्यमिक कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है, सामग्री प्रबंधन उपकरण इसको हिंदी में बोलते हैं, यह प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और सेकेंडरी एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कृषि उपज, बीज और इनपुट के कुशल संचालन की सुविधा प्रदान करती है। दो आवश्यक प्रकार के सामग्री प्रबंधन उपकरण कन्वेयर और लिफ्ट होते हैं, जिसमें पहले हम लोग कन्वेयर के बारे में जानेंगे। तो कन्वेयर क्या होता है, इसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो कन्वेयर यांत्रिक प्रणाली है जो सामग्री को निरंतर और नियंत्रित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए डिजाइन की जाती है। ठीक है, कन्वेयर क्या होता है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कन्वेयर जब रेलवे प्लेटफार्म पे जाते हैं तो वहां पर देखेंगे सीढ़ी लगी होती है, जो क्या होता है ऊपर जाता है और एक तरफ से नीचे आता रहता है। तो यही होता है कन्वेयर, मतलब किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने ऊपर लाद कर लेकर जाने की प्रोसेस को बोल सकते हैं कन्वेयर। समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कन्वेयर वही होता है, आप लोगों ने लिफ्ट को देखा होगा या आप लोग देखोगे एयरपोर्ट पे बैग डाल देते हैं और इधर से बैग डालते हैं, उधर से दूर से जाकर बैग निकल जाता है, तो अभी कन्वेयर ही होता है। ठीक है, तो कन्वेयर एक यांत्रिक प्रणाली है जो सामग्री को निरंतर और नियंत्रित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए डिजाइन की गई होती है। इनमें एक बेल्ट, चेन या रोलर्स होते हैं जो एक मोटर द्वारा संचालित होते हैं, जो सामग्री को पूर्व निर्धारित पथ पर ले जाते हैं। ठीक है, इसको जहाँ पर ले जाना होता है उसके लिए पहले से एक पथ निर्धारित होता है, ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी जगह पर आप इसको चाहे तो लेकर जा सकते हैं। इसके लिए पहले से एक पथ निर्धारित होगा कि इसी ये जो एक रास्ता, इसी रास्ते पर यह जाएगा और इस रास्ते से यह आएगा, इसके लिए पहले से एक रास्ता निर्धारित किया हुआ रहता है। तो यह होता है कन्वेयर। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में
वर्किंग इसकी कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो सामग्री को एक छोर पर कन्वेयर बेल्ट या रोलर्स पर लोड किया जाता है। मोटर बेल्ट या रोलर्स को चलाता है जिससे सामग्री कन्वेयर की लंबाई के साथ चलती है। ठीक है, कन्वेयर जो होता है जैसे इस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ से अपने सामान को यहाँ तक लेकर जाना है तो इतना बड़ा कन्वेयर रहेगा और इसमें एक ढांचा बना होता है जिसमें क्या होता है कन्वेयर जो है जाता है बेल्ट की सहायता से। ठीक है, अब यहाँ से अपने सामान को यहाँ पर लेकर जाएगा। ठीक है, यहीं से अपने सामान को यहीं तक लेकर जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि सामग्री को एक छोर पर कन्वेयर बेल्ट या रोलर्स पर लोड किया जाता है। यहाँ पर आपने लोड किया, मोटर बेल्ट या रोलर को चलाती है। मोटर जो होता है वह बेल्ट या इसमें एक बेल्ट लगा होता है तो वह बेल्ट या रोलर को चलाती है जिससे सामग्री होता है कन्वेयर की जितनी लंबाई होती है उसके साथ चलती है। ठीक है, तो यही होता है वर्किंग इसका। तो सामग्री को एक छोर पर कन्वेयर बेल्ट या रोलर्स पर लोड किया जाता है, मोटर बेल्ट या रोलर को चलाती है जिससे सामग्री कन्वेयर की लंबाई के साथ चलती है। अनुप्रयोग के आधार पर कन्वेयर झुके हुए, अस्वीकृत या क्षैतिज हो सकते हैं। इनक्लाइन कन्वेयर सामग्री को पीछे खिसकने से रोकने के लिए क्लीट या साइड वाल का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है कन्वेयर के प्रकार होते हैं, तो कन्वेयर के विभिन्न प्रकार होते हैं जिसमें पहला बेल्ट कन्वेयर है। बेल्ट कन्वेयर क्या होता है, तो सामग्री का एक सतत लूप होता है जो आमतौर पर रबर या कपड़े से बना होता है जो पुल्ली द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो ये होता है बेल्ट कन्वेयर, इसमें एक बेल्ट लगा होता है। ठीक है, दूसरा है रोलर कन्वेयर, तो भारी भार के लिए उपयुक्त सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए रोलर्स का यूज किया जाता है। अगला है पेंच कन्वेयर या स्क्रू कन्वेयर, तो ट्यूब या गर्त में सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए घूमने वाले पेंच का उपयोग किया जाता है। अगला है बकेट कन्वेयर, तो बेल्ट या चेन से जुड़ी बाल्टियों में सामग्री का परिवहन जब किया जाता है तो उसको बेल्ट कन्वेयर बोला जाता है। अगला है सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो इसको लिए इसको कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं, एलिवेटर। एक होता है कन्वेयर, एक होता है एलिवेयर या लिफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एलिवेटर क्या होता है, तो लिफ्ट ऊर्ध्वाधर सामग्री प्रबंधन उपकरण होता है। लिफ्ट जो होता है एक ऊर्ध्वाधर सामग्री प्रबंधन उपकरण होता है जिन्हें विभिन्न स्तरों के बीच सामग्री उठाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इनमें एक श्रृंखला या बेल्ट से जुड़ी एक बाल्टी या मंच होता है जो एक आवरण के भीतर लंबवत चलता रहता है। ठीक है, जो एक आवरण के भीतर क्या करता है, लंबवत चलता रहता है। इसका वर्किंग कैसे करता है या कैसे वर्क करता है, तो उठाए जाने वाली सामग्री को लिफ्ट के नीचे बाल्टियों या प्लेटफार्म में लोड किया जाता है। चेन या बेल्ट बाल्टियों या प्लेटफार्म को ऊपर की ओर ले जाते हैं, सामग्री को वांछित ऊंचाई तक उठाती है। एक बार से इस पर पहुंचने पर सामग्री को डिस्चार्ज कर देता है। जैसे नीचे से ऊपर ले जाना है तो यहाँ पर आप इसको लगाएंगे और इसको ऊपर लेकर, जैसे आपने लिफ्ट देखा होगा, ठीक है, लिफ्ट देखा होगा, नीचे सब लोग खड़े रहते हैं और ऊपर जाकर जिस फ्लोर पर आपको जाना, वहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जाकर आपको रोक देगा और वहाँ से आपको डिस्चार्ज कर देगा, आप वहाँ से मतलब जा सकते हैं। तो वही होता है क्या, लिफ्ट होता है, लिफ्ट। ठीक है, आगे टाइप ऑफ कन्वेयर, तो कन्वेयर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल या डिस्चार्ज लिफ्ट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज लिफ्ट। ठीक है, तो हल्की सामग्री को संभालने और बल्टियों को हेड पुली के ऊपर ले जाने पर केंद्रापसारक बल द्वारा सामग्री को डिस्चार्ज करने के लिए उपयुक्त होता है। दूसरा कंटिन्यूअस, तो चिपचिपी या नाजुक सामग्री को संभालने और गुरुत्वाकर्षण को उपयोग करके सामग्री को लगातार डिस्चार्ज करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। तो यह तो था आप लोगों का कन्वेयर के बारे में और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव की परिभाषा सबसे पहले जान लीजिए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य से आने वाले विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य से आने वाले विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं होते, फिर वापस अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं होते हैं। यह पृथ्वी की सतह को सुरक्षित रखता है और उसे जमने से बचाता है। ठीक है, समझिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सूर्य से जो आने वाली विकिरण होती है वह ग्रीन हाउस गैस जो होती है, ग्रीन हाउस द्वारा उसे अवशोषित कर लिया जाता है और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं होने दिया जाता है। यह पृथ्वी की सतह को सुरक्षित रखता है और उसे जमने से बचाता भी है। आगे देखते हैं इसी में ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ग्रीन हाउस कांच से बना एक घर होता है जिसका उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणें ग्रीन हाउस के अंदर पौधों और हवा को गर्म करती है, अंदर फंसी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और ग्रीन हाउस को गर्म कर देती है जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में भी यही स्थिति होती है। दिन के समय सूर्य पृथ्वी के वातावरण को गर्म करता है,
रात में जब पृथ्वी ठंडी होती है तो गर्मी वापस वायुमंडल में विकीर्ण हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान गर्मी पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है। यही वह चीज़ होती है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाती है, जिससे पृथ्वी पर जीवित प्राणियों का अस्तित्व संभव हो पाता है। ठीक है, हालांकि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़े हुए स्तर के कारण पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ गया है। इसके कई गंभीर प्रभाव भी हुए हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इतना हाई रहता है आजकल, देखेंगे आप लोग तो, ये सब ग्रीन हाउस गैस के कारण ही होता है। और देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 20 मिनट का वीडियो हो गया और ये वीडियो को बंद करेंगे। उम्मीद करते हैं जो भी मैंने 5 क्वेश्चन बताया आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।